हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गेट डीए 2024 मैथ से पूछा गया एक डाटा इंटरप्रिटेशन का वन मार्क का एमसीक्यू। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया, देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहां पे बन करके आता है, स्टार्ट ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, इन एन इलेक्शन द शेयर ऑफ द वैलिड वोट रिसीव्ड बाय द फोर कैंडिडेट्स ए बी सी एंड डी रिसीव्ड बाय द फोर कैंडिडेट्स ए बी सी एंड डी इज रिप्रेजेंटेड बाय The pie chart, यानी कि ए बी और सी और डी को कितने वोट्स मिले यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया एक पाई चार्ट से, हमें डाटा दे रखा है। नाउ द टोटल नंबर ऑफ द वोट कास्ट इन द इलेक्शन वर 1,15,000, यानी कि टोटल नंबर ऑफ द वोट कितने पड़े 1,15,000, आउट ऑफ विच 5,000 वोट्स वर इनवैलिड। तो 5,000 ऐसे वोट थे इसमें से जो इनवैलिड थे, इसका मतलब वैलिड कितने हो गए 1,10,000। हमें कहता है बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड Find the total number of the votes received by the candidates B and C. हमें ये बताना है जितने भी valid वोट पड़े हैं उनमें से B और C कितने वोट्स लेकर के गए, तो यही बताना है। तो सबसे पहले तो देखो, अगर मेरे पास total number of the votes है 1,15,000 और अब वो कह रहे हैं कि 5,000 ऐसे वोट हैं जो कि हमारे पास invalid है, तो valid वोट कितने हो गए 1,10,000, इतने ही वैलिड वोट हो गए ना मेरे पास। अब हमें कह रहा है इस वैलिड वोट में से कितना पोर्शन, कितने नंबर ऑफ द वोट्स बी और सी लेकर के गए, तो सी के पास 20% है, बी के पास 25%, यानी कि बी और सी मिला के 45% ऑफ द डाटा कवर कर रहे हैं। 45% ऑफ व्हाट, 45% ऑफ वैलिड वोट्स, हमें वैलिड के बारे में बताना है ना। तो 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय द 45%, हमें नंबर ऑफ द वोट्स के बारे में ही बताना है, तो जीरोस कट बाय जीरोस, 45 मल्टीप्लाई बाय 11 व्हिच इज इक्वल टू 495, यानी कि आंसर मेरे पास क्या हो गया 49500 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ये आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं एक अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय।